आज मैं आपको एक ऐसे सक्सेस स्टोरी बताने वाला हूँ जो आपके अंदर एक जबरदस्त आग लगाने वाली है। अगर आप अपने लाइफ में कुछ भी पाना चाहते हो तो ये सक्सेस स्टोरी जरूर सुन लेना, क्योंकि कुछ भी पाने के लिए अंदर एक आग का होना बहुत ही जरूरी है। ये कहानी शुरू होती है 30 जुलाई 1947 को, जब ऑस्ट्रेलिया में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसके पिता पुलिस अफसर थे, छोटी छोटी गलतियों पर उसे बुरी तरह से पीटते थे, कभी बाल खींचते तो कभी बेल्ट से मारते। बस उसकी माँ थी जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। उस लड़के ने मात्र 14 साल की उम्र में जिम करना शुरू कर दिया। वह कई घंटे जिम में बिताने लगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी कि मुझे बॉडी बिल्डिंग में भाग लेना है। जब वह 18 साल का हुआ तो उसके कंट्री के हर एक व्यक्ति की तरह कंपलसरी उसे भी आर्मी ज्वाइन करनी पड़ी। लेकिन उस बंदे ने सर्विस के दौरान भी वर्कआउट करना नहीं छोड़ा और कुछ दिनों बाद अपने मेहनत के दम पे उसने जूनियर मिस्टर यूरोप कॉन्टेस्ट जीता। लेकिन वह बंदा यहीं पर नहीं रुका, उसने अपना नेक्स्ट टारगेट सेट किया मिस्टर यूनिवर्स बनने का। वह अमेरिका जाकर ट्रेनिंग लेने लगा और वहां पर अपने दूसरे अटेम्प्ट में मिस्टर यूनिवर्स बन गया। लेकिन वह बंदा यहाँ पर भी नहीं रुका, वह मात्र 23 साल की उम्र में मिस्टर ओलंपिया बन गया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। लेकिन वह बंदा अभी भी नहीं रुका, उसने फिर एक सपना देखा, वह था हॉलीवुड फिल्मों में एक्टिंग करने का। काफी मेहनत के बाद उसे एक फिल्म मिली, द लॉन्ग गुड बाय। लेकिन इस फिल्म में उस बंदे का एक भी डायलॉग नहीं था। 1977 में फिर उसे एक फिल्म मिली जिसका नाम था पंपिंग आयरन, और यह फिल्म थी जो उसे पहचानी दिलाई। फिर 1982 में उसे फिल्म मिली कोनन द बारबेरियन, जो कि सुपर हिट रही। उसके बाद उसने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन वह बंदा वहां पर भी नहीं रुका और अब उसने राजनीतिक में जाने का सोचा। अपनी मेहनत के बदौलत वह बंदा कैलिफोर्निया का गवर्नर बना। उस बंदे का नाम है अर्नाल्ड श्वार्ज़नेगर, जिसने बॉडी बिल्डिंग के ऊपर कई किताबें लिख डाली। दोस्तों, जुनून आपसे वो करवाता है जो आप नहीं करना चाहते हैं। अगर व्यक्ति के पास जुनून है तो वह हर असंभव कार्य को संभव में बदल सकता है और खुद को सबसे श्रेष्ठ बना सकता है। अगर आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर कीजिए।